नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी सीरीज बहुत ही प्यार से देखी जा रही है, बहुत ही अच्छे शेयर्स किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे मुझे डीएम्स भी मिल रहे हैं, बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है कि सर आपने जो ये नई सीरीज शुरू की है उसमें नए कलाकार के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है और बच्चे बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो हम जो नए लोग आए हैं तो उनको एक गाइड के हिसाब से ये चल रहा है, तो आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों, मैं हमेशा अपने नए दोस्तों को, नए सब्सक्राइबर को या नए एक्टरों को कुछ न कुछ सिखाने की जरूरत, जो मुझे मालूम है वही मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आप सभी को बांटते रहता हूँ और उससे अगर किसी का फायदा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें गाइड पूरा मिल गया है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब तो यहाँ पे कोरोना का माहौल थोड़ा ढीला हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों, अभी ऑडिशन शुरू हुए हैं, मुंबई में भी शुरू हो गए पर, लेकिन ठीक है पूरी तरह से नहीं हुए, लेकिन आप लोग अगर मुंबई में आए हो, बाहर से कहीं से आए हो, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ऑडिशन शुरू हो गए, तो आप लोग ऑडिशन दीजिए, आगे बढ़िए। तो आज की ये सीरीज का मैं छठा एपिसोड में दे रहा हूँ, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर हमसे क्या चाहते हैं उसके बारे में बताऊंगा, कास्टिंग डायरेक्टर की क्या क्या आशाएं होती है और कास्टिंग डायरेक्टर एक कलाकार में क्या चाहता है। तो दोस्तों, जब आप कास्टिंग के लिए जाते हो या तो कास्टिंग के कॉल पे जाते हो, किसी ने बुलाया है आपको तो आप वहां जाते हो ऑडिशन के लिए, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए ये जरा समझ लीजिए। समझने से ये होगा कि आप लोगों को फायदा भी होगा। दोस्तों, तो हम जब ऑडिशन में जाते हैं तो ऑडिशन में हमें एक मोनोलॉग दिया जाता है, वो मोनोलॉग हमें बताना होता है, उसमें अलग अलग तरीके के डायलॉग्स होते हैं, यानी जो तरीके के डायलॉग होते हैं उसी तरीके से हमें हाव-भाव बताने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको जो कैरेक्टर दिया गया है उसके बारे में पहले से पूछ लीजिए, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ के डायलॉग्स बोल दिया तो उसमें कुछ फायदा नहीं। क्यों कि पढ़ के डायलॉग तो बोल दोगे, लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर आपने क्या ढूंढता है वो अगर उसे मिल जाए तो फिर आपका काम अच्छा आसान भी हो सकता है और उसके लिए आपको काम भी मिल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं उसके बारे में पूछ लीजिए कि कैरेक्टर कैसा है, किस तरीके से बोलता है, कैसे रहन सहन है, तो कैसी लैंग्वेज यूज करता है, पढ़ा लिखा है कि नहीं। तो उस टाइप से आप डायलॉग बोलोगे तो कास्टिंग डायरेक्टर को फिट लगेगा कि ये कैरेक्टर मेरे उसमें फिट है। तो दोस्तों, वो पूछने के बाद आप अगर ऑडिशन दोगे, उस तरीके से डायलॉग्स बोलोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, आपका ऑडिशन भी अच्छा होगा। दूसरी बात ये भी होती है कि कास्टिंग में जब भी जाते हैं हम लोग, तो अपने हिसाब से हम लोग डायलॉग चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन कभी चेंज मत कीजिए। इससे क्या होता है कि उसे जो भी राइटर ने जो भी लिखा है उसका फर्क हो जाता है, तो कुछ भी जो मीनिंग होता है वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों, अपनी तरफ से कुछ चेंज मत कीजिए। सबसे पहले तो आप कैरेक्टर को जान लीजिए, कैरेक्टर क्या है, किस टाइप से रहता है, कैसी उसकी बोलचाल की भाषा है, क्या उसका लैंग्वेज है, कैसे चलता है, क्या है। तो अगर एजुकेटेड है तो उस टाइप की लैंग्वेज जो यूज करेगा, अगर कोई गरीब है तो किस टाइप की लैंग्वेज जो यूज करेगा, तो वो आपको ख्याल आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कैरेक्टर को जान लीजिए, उसके बाद वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन और इमोशंस। वेरिएशन इसलिए क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा होगा तो ज्यादा गुस्से से, प्यार से, मतलब ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाएगा, अगर वही किसी गुंडे का कैरेक्टर हो तो वो एकदम लाउड बताएगा और ज्यादा जोर से बोलेगा, ये बोलेगा। यानी एक्सप्रेशन आप सही दीजिए, जिस कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है वो उसी टाइप के होने चाहिए। इमोशंस भी एकदम करेक्ट होने चाहिए। इमोशंस कहीं कहीं पे जहाँ पे हम लोग पोज देते हैं, जहाँ पे हमें इमोशंस दिखाने, वहां जरूरी है जहां इमोशंस दिखाने वहां आपको दिखाना ही। कोई कोई उसमें हमें बताना पड़ता है कि एक सीन है, समझ लीजिए कि बताना पड़ता है कि आपकी मदर वहां ऑफ हो गई है, आपको मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी, तो वो विजुअलाइजेशन करिए कि वो आपके लिए तड़प रही है, तो क्या इमोशंस होगी, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, क्या करोगे उस वक्त, आप बोल नहीं सकते या तो कुछ हंस नहीं सकते। तो राइट टाइप पे राइट एक्सप्रेशन दीजिए, राइट इमोशंस दीजिए, कोई भी डायलॉग चेंज मत कीजिए। तो और फिर ऑडिशन दीजिए। देखिए, अब तो क्या है, सब शुरू हो गया है तो बहुत से काम मिलेंगे, बहुत से OTT प्लेटफॉर्म हो जाएंगे, बहुत सी फिल्में बनेगी, बहुत से एड फिल्में बनेगी, बहुत से टीवी सीरियल्स भी बनेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कैरेक्टर को जान लीजिए, सबसे पहले कैरेक्टर को जान लीजिए और ये बता दीजिए कि एक्सप्रेशन किस टाइप से देने हैं, अगर लाउड भी दे सकते हो, जिस टाइप का कैरेक्टर है, कैरेक्टर को पहचाने कि कैरेक्टर किस टाइप का काम कर रहा है, किस टाइप से बोलेगा, किस टाइप से बात करेगा, कैसे चलेगा, वो अगर जान लोगे तो आप बहुत ही सफल होने के कागार पे होगे और शायद आपकी जल्दी ही सिलेक्शन भी हो जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएगा।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। नए सब्सक्राइबर को मैं कहूँगा कि बाजू का बेल बटन दबा दीजिए और शेयर्स कीजिए हमारे मेरे वीडियोस। ये 7 वीडियो की सीरीज है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला है, हमारी फैमिलीज बहुत आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू।